बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आर टॉपिक फॉर डाइजेशन ऑफ फैट्स। डाइजेशन ऑफ फैट्स का हमने लास्ट लेक्चर में टॉपिक कवर किया था। थोड़ा सा ओवरव्यू उसको देख लेंगे, उसको रिवाइज करते हैं, फिर आगे इसकी फैट्स की एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्ट को देख लेते हैं। ये टॉपिक आप वैसे कर चुके हुए हैं, ऐसा जिसमें कुछ न्यू नहीं है, बट विल जस्ट ऑर्गेनाइज इट। तो कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड्स। सो कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स एंड फॉस्फोलिपिड्स, दे आर हाइड्रोलाइज्ड बाय स्पेसिफिक प्रोसेस। इनको जो फॉस्फोलिपिड्स हैं, कोलेस्ट्रॉल एस्टर, ये हाइड्रोलिसिस से जाते हैं, ठीक है, और उनसे हमें मिलता है फ्री कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड। तो और इस रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा होता है एंजाइम कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रेज, ठीक है। अच्छा, लिसिथिन में जो फैटी एसिड होता है, टू कार्बन फैटी एसिड होता है, वो भी जब उसकी हाइड्रोलाइजेशन होती है तो क्या होता है कि उसके लिए भी स्पेसिफिक एक तो एस्ट्रेज है, ठीक है, उसको कहते हैं फॉस्फोलाइपेज A2। जब ये हाइड्रोलाइज होता है तो इससे हमें मिलता है लाइसोलेसिथिन और फ्री फैटी एसिड। ठीक है, तो जो आपका कोलेस्ट्रॉल था, ठीक है, उसकी हाइड्रोलिसिस से हमें फ्री फैटी एसिड और फ्री कोलेस्ट्रॉल मिल रहा था, ठीक है, और उसको एंजाइम कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रेज कैटलाइज कर रहा था रिएक्शन। जबकि जो लिसिथिन था आपका, आपका कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, फिर उसके बाद आपका लिसिथिन जो है उसको जो एंजाइम कर रहा था वो फॉस्फोलाइपेज कर रहा था, हमें उससे मिलता है लाइसोलिसिथिन और फ्री फैटी एसिड। अच्छा, लिपिड्स की जो पार्शियल डाइजेशन हो चुकी हुई है अभी तक, उनसे हमें जो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं इसके जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे हमें मिल रहे हैं मोनोएसाइल कोलेस्ट्रॉल्स, लाइसोलिसिथिन, कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड्स। इसके साथ जो बाइल साल्ट्स के साथ कंबाइन हुए हुए थे वो भी, ठीक है, और ये सब जो ये प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, इन ये सब ना मिलके एग्रीगेट बना देते हैं, ठीक है, और वो एग्रीगेट मिलके जो एक प्रोडक्ट बनता है उसको हम माइसेल कहते हैं, ठीक है। आपके मोनोएसाइल कोलेस्ट्रॉल, लाइसोलिसिथिन, कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड्स, ये एग्रीगेट हुए हुए होते हैं बाइल साल्ट्स के साथ मिलकर, ठीक है, ताकि वो आपका जो ब्रश पाउडर है उसका जो वाटर सोल्यूबल ब्रश पाउडर है, ठीक है, वहाँ से पास ऑन हो सके। तो उस ब्रश पाउडर से पास ऑन होने के लिए जो एग्रीगेट बना होता है इसको हम माइसेल कहते हैं, ठीक है। ये जो माइसेल्स होते हैं इनका पहले से कंपैरिजन, अगर फैट ग्लोब्यूल के कंपैरिजन में देखें तो डायमीटर छोटा होता है, छोटा पार्टिकल होता है, ठीक है, और इसीलिए ये फिर माइक्रोविलस जो आपका ब्रश बॉर्डर था वहाँ से वो पास ऑन हो सकता है, इंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन में से पास ऑन हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि इस पॉइंट पे आके माइसेल्स बन जाते हैं, वो माइसेल्स जो हैं आपके ब्रश बॉर्डर से पास ऑन हो सकते हैं। तो ज़रा रिवाइज कर लेते हैं, डाइट्री लिपिड्स के अंदर क्या क्या आते हैं। डाइट्री लिपिड्स के अंदर आते हैं ट्राइसाइक्लिस्ट्रोल्स, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स और फॉस्फोलिपिड्स। ये सब के सब जो हैं स्टमक में इंटैक्ट होते हैं अभी तक। यहाँ पे आके सिर्फ ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं जिनके ऊपर गैस्ट्रिक लाइपेज, ठीक है, सिर्फ ट्राइग्लिसराइड्स के ऊपर जाके एक्ट करता है गैस्ट्रिक लाइपेज और लिंगुअल लाइपेज, ठीक है। और ये आपके लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं, ये इनको मीडियम और शॉर्ट चेन में हाइड्रोलाइज कर देता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके ट्राइसाइल ग्लिसरोल्स, डाइसाइल, अब ये स्टमक से पास ऑन होकर यहाँ पे आ गए हैं अपर पोर्शन में, स्मॉल इंटेस्टाइन,
यहाँ पे क्या क्या आता है, कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं, ट्राईसाइल ग्लिसरॉल्स, डाईसाइल ग्लिसरॉल्स, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स एंड फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, ये लिपिड्स जो हैं अब यहाँ पे बाइल सॉल्ट्स के साथ मिलकर माइसेल्स बना देते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे बाइल सॉल्ट्स आते हैं, पेनक्रियाटिक एंजाइम्स आते हैं, इनको प्रोएक्ट करते हैं और अब तक ये बाइल माइसेल्स बन चुके हैं। फिर उसके बाद जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स होते हैं वो फ्रीली जो हैं डायरेक्टली आपके ब्लड में चले जाते हैं। ठीक है, और जो बाकी प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे अब ग्लिस्ट्रोल, ग्लूकोज, कोलेस्ट्रॉल, लॉन्ग चेन फ्री फैटी एसिड्स, मोनोसाइल ग्लिस्ट्रोल्स, डाईसाइल ग्लिस्ट्रोल्स, लाइसोफॉस्फेटाइल कोलीन और बाकी फॉस्फोलिपिड्स, ये सब के सब जो हैं यहाँ पे आके म्यूकोसल सेल में आ गए हुए हैं। ठीक है, ये जो शॉर्ट फ्री फैटी एसिड्स थे अब ये जब मूव कर गए, ठीक है, और यहाँ पे आ गए आपके उसके अंदर आ गए म्यूकोसल इंटेस्टाइनल म्यूकोसल सेल के अंदर आ गए। ठीक है, फिर क्या होता है, इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ग्लिसरॉल इज कन्वर्टेड टू अल्फा ग्लिसरॉल, फॉस्फेट एंड फॉस्फेट अल्फा फॉस्फेट, एडिशनल ग्लिसरॉल फॉस्फेट इज फॉर्म फ्रॉम ग्लूकोज बाय ग्लाइकोलाइसिस एंड अल्फा ग्लूकोज फॉस्फेट, मोनोफॉस्फेट एंड डाईसाइल ग्लिसरॉल्स, कोलेस्ट्रॉल एंड लाइसो फॉस्फोलिपिड्स आर स्टेरिफाइड टू मेक ट्राईसाइल ग्लिसरॉल्स, कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स एंड फॉस्फोलिपिड्स। होता क्या है, ये जितने भी आपके प्रोडक्ट्स थे ये जाते हैं आपके इसके अंदर जाते हैं यहाँ पे आके। ठीक है, जब माइसेल बन चुका है ये यहाँ पे आके क्या होता है कि ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स थे आपके ये दोबारा से रीस्टेरिफाई होते हैं, रीस्टेरिफाई होके फिर से ट्राईसाइल ग्लिसरॉल बनाते हैं, कोलेस्ट्रॉल एस्टर बनाते हैं और फॉस्फोलिपिड्स बनाते हैं। ठीक है, जब ये दोबारा से रीस्टेरिफाई हो गए और उन्होंने ट्राईसाइल ग्लिसरॉल कोलेस्ट्रॉल फॉस्फोलिपिड बनाया, फिर क्या होता है, द लिपोप्रोटीन B48 इज सिंथेसाइज्ड इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन गॉल्जी एपरेटस, दिस लिपोप्रोटीन एंड लिपिड्स फॉर्म ए काइलोमाइक्रॉन एंड इट इज एक्सक्रीटेड बाय द इंटेस्टाइनल म्यूकोसल सेल इनटू द लिम्फ, अदर लिपोप्रोटीन्स आर ट्रांसफर टू काइलोमाइक्रॉन्स फ्रॉम अदर लिपोप्रोटीन फ्रैक्शंस। अब होता क्या है कि ये जो आपका प्रोडक्ट था, ठीक है, ये आपका काइलोमाइक्रॉन के अंदर, काइलोमाइक्रॉन एक कैरियर प्रोटीन है, ठीक है, ये कैरियर प्रोटीन क्या करता है, इन लिपिड्स को अपने अंदर जो है स्टोर करता है और यहाँ से ये लिम्फ सर्कुलेशन में चले जाते हैं। ठीक है, दैट्स योर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, आपके जो डाइट्री लिपिड्स हैं, ठीक है, उनमें ट्राईसाइल ग्लिसरॉल्स, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स और फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, ये स्टमक में आते हैं, इनके ऊपर लिंगरॉल और गैस्ट्रिक लाइपेज एक्ट करते हैं, इनको शॉर्ट चेन और मीडियम चेन फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद वो आते हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, और वहाँ पे वो उनके ऊपर डाइजेस्टिव एंजाइम्स, पेनक्रेटिक एंजाइम्स एक्ट करते हैं और बाइल सॉल्ट्स एक्ट करता है और ये माइसेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, माइसेल्स इनको कैरी करते हैं और कैरी करके इनको जो है म्यूकोसल सेल में से पास ऑन करा देते हैं। म्यूकोसल सेल में से जब पास हो के ये आते हैं, ठीक है, ये पास होने के लिए इनको ब्रेकडाउन ज़रूरी है, मतलब पूरा का पूरा ट्राईसाइल ग्लिसरॉल इनमें से पास नहीं हो सकता म्यूकोसल सेल में से, ठीक है, तो इसलिए शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स और छोटे आपके जो हैं शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स, मोनोसाइल ग्लिसरॉल्स, डाईसाइल ग्लिसरॉल्स, ठीक है, एस्टर्स, ये सब जो हैं ब्रेक डाउन होके आपके म्यूकोसल सेल में आते हैं। फिर क्या होता है कि फिर ये सब के सब दोबारा से रीस्टेरिफाई होते हैं और ट्राईसाइल ग्लिसरॉल और कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड बना देते हैं। अब क्या होता है, इनको काइलोमाइक्रॉन फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन का मिक्सचर का एक कंपाउंड है जो कि एक कैरियर आप कह लें फैट्स का कैरियर है, ठीक है, ये इन प्रोडक्ट्स को अपने अंदर लेता है और लिम्फ में, लिम्फ सर्कुलेशन में पहुंचा देता है। ठीक है, वहाँ से फिर ये आगे आपकी लिम्फ सर्कुलेशन में आ जाते हैं, दैट्स योर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये आप ये याद कर लेंगे तो बेसिकली आपकी पूरी फैट की डाइजेशन ऑप्शन आपको याद होगी। अब आप आएँ ज़रा एब्जॉर्प्शन को देखें, ये आपकी एब्जॉर्प्शन इस पॉइंट से, फोर्थ पॉइंट से, ठीक है, इसको हम ज़रा थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए। बाइल सॉल्ट्स जो होते हैं
वो इनको आपकी फैट को स्टेबलाइज कर रहे हैं, ठीक है। और फिर जो माइसिलर पार्टिकल्स होते हैं, ये बाइल सॉल्ट्स और उन्हें आपके फैट का से मिल के बने हुए होते हैं, ये क्या करते हैं, ये इजीली जो है सॉल्यूबल हो जाते हैं, ठीक है, सॉल्यूबल हो जाते हैं। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन की एब्जॉर्प्टिव लेयर थी ना, आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इस तरीके से होती है, ठीक है। अब इसके ऊपर आपके जो हैं माइसेल्स होते हैं, ठीक है, ये ब्रश बॉर्डर है आपका, ठीक है। तो इस ब्रश बॉर्डर के ऊपर करीब में ही, ठीक है, यहाँ पे एक अनस्टर्ड वाटर लेयर होती है, ठीक है। तो वो जो वाटर लेयर होती है उसमें से उन्होंने पास ऑन होना होता है, आपके माइसेल्स ने पास ऑन होना होता है। तो वो वैसे फैट जो है अगर माइसेल्स में ना हो तो वो इस वाटर लेयर से नहीं गुजर सकता। तो माइसेल्स जो हैं वो जो हैं उनको सॉल्युबल कराते हैं, और इस वाटर लेयर से गुजर के ये माइसेल्स विलाय में से पास ऑन होके फिर आपके इंटेरोसाइट में जाते हैं। जो आपके इंटेस्टाइनल सेल्स हैं आपके, इनको हम इंटेरोसाइट या म्यूकोसल सेल कहते हैं, ठीक है। माइसेल्स जो हैं इस इन ब्रश बॉर्डर पे जो सेल्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, और डिफ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। और इस किस तरीके से डिफ्यूज़ होते हैं, डिफ्यूज़ होके वो इंटेरोसाइट्स के अंदर चले जाते हैं, मूविंग डाउन अ कंसनट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब ये है कि आपका जो सेल है, ठीक है, यहाँ पे आपके कम फैट ग्लोब्यूल्स होंगे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फैट ज़्यादा होता है, ठीक है, तो हायर कंसनट्रेशन ग्रेडियंट इधर है, लोअर कंसनट्रेशन ग्रेडियंट दूसरी तरफ है। तो इसी वजह से ऑस्मोसिस के प्रोसेस से ये इजीली यहाँ पे डाउन अ कंसनट्रेशन ग्रेडियंट मूव कर जाते हैं, ठीक है। तो माइसेल्स के अंदर होता क्या है, माइसेल्स के अंदर जो है फ्री फैटी एसिड्स होते हैं, टू मोनोएसाइल ग्लिसरॉल्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स होते हैं, और लाइसोलेसिथिन होता है, ठीक है। तो ये सब के सब जो हैं माइसेल्स के अंदर इंट्रैप होते हैं और ये आपके इंटेस्टाइनल सेल्स में डिफ्यूज़ हो जाते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि बाइल सॉल्ट्स जो हैं यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। बाइल सॉल्ट्स जो हैं वो यहाँ तक, इनको यहाँ तक पहुँचाने का उनका काम है। फिर वो यहाँ से निकल जाते हैं, ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन से पास ऑन हो के स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट में ईलियम पार्ट आता है वहाँ से वो जाके रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। और फिर बाइल सॉल्ट्स रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं तो इसका मतलब वो रीसाइकल हो रहे हैं, वो रीअब्जॉर्ब होके वापस लिवर के अंदर जाते हैं, ठीक है। और बाइल लिवर जो है उनको दोबारा से बाइल में कन्वर्ट करता है, और फिर बाइल दोबारा से आपके जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, ठीक है। तो बाइल सॉल्ट्स इस तरीके से हमारे रिसाइकल होते रहते हैं, और वो जो लिवर से आने के है उसको हम इंटेरो हेपेटिक सर्कुलेशन कहते हैं। ठीक है, कि स्मॉल इंटेस्टाइन से लिवर तक जाना उसको हम इंटेरो हेपेटिक सर्कुलेशन कहते हैं, ठीक है। तो मैं हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि आपकी कि आपकी जो फैट्स हैं, ठीक है, वो माइसेल्स में इंट्रैप होते हैं, माइसेल्स जो हैं उनको ब्रश बॉर्डर में से पास ऑन कराते हैं, ब्रश बॉर्डर के दूसरी साइड पे इंटेरोसाइट्स होते हैं, माइसेल्स के अंदर जो हैं आपके पार्टिकल्स होते हैं जो कि फ्री फैटी एसिड्स, टू मोनोसाइल ग्लिसरॉल, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स और लाइसोलेसिथिन होता है, ठीक है। ये सब के सब जो हैं मूविंग डाउन अ कंसनट्रेशन ग्रेडियंट आपकी उसमें आ जाते हैं, इंटेरोसाइट्स में आ जाते हैं। तो यहाँ तक जो है बाइल सॉल्ट्स इनको एब्जॉर्ब कराने में हेल्प करा रहे थे। बाइल सॉल्ट्स ने जब ये काम कर दिया तो बाइल सॉल्ट्स जो हैं वहाँ से मूव करके ईलियम से दोबारा से रीअब्जॉर्ब होते हैं, रीअब्जॉर्ब होकर दोबारा से लिवर में जाते हैं, ये थ्रू इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन लिवर उनको रिकॉन्जुगेट करता है, दोबारा से बाइल बनाता है, और बाइल फिर से आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। इस तरीके से आपका बाइल जो है रिसाइकल होता रहता है। अच्छा, आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्री फैटी एसिड्स, टू मोनोसाइल ग्लिसरॉल्स, कोलेस्ट्रॉल, लाइसोफॉस्फेटिडाइल कोलीन एंड ये सब के सब जो हैं ये आपके इंटेरोसाइट में जाके दोबारा से रीफॉर्म होते हैं, और ट्राइसाइल ग्लिसरॉल, फॉस्फेटिडाइल कोलीन और कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स बना देते हैं, ठीक है। अच्छा,
अच्छा, अब इसमें होता क्या है, इसमें आपकी फैटी एसिड्स की चेन लेंथ इन्वॉल्व हो रही होती है। वो फैटी एसिड्स जो 10 या 12 कार्बन एटम्स जिनमें होते हैं या उनसे ज़्यादा होते हैं, वो पहले एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। और इनको एक्टिवेट कराने में या रीसिंथेसाइज कराने में कोएंजाइम ए या एसाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज ये हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद जब ये रीस्टेरिफाई होते हैं, ट्राईसाइल ग्लिसरॉल बनाते हैं और बाकी ये आपके फॉस्फेटिडाइल कोलिन और कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स बनाते हैं, जो कि शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स होते हैं जो 10 या 12 कार्बन एटम से कम होते हैं। वो उनको रीसिंथेसाइज होने की ज़रूरत ही नहीं होती, वो डायरेक्टली पोर्टल वेन से ब्लड में चले जाते हैं, ठीक है। अच्छा, और वो डायरेक्टली लिवर में ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। पोर्टल वेन के ज़रिए से लिवर में जाते हैं वो, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं, ब्रश बॉडी में चले गए आपके ये सारे के सारे, ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आपके, ठीक है, ये सब के सब आपके ब्रश बॉडी में चले गए, ठीक है। और फिर वहाँ जाके ये रीसिंथेसाइज होते हैं, रीस्टेरिफाई होते हैं, ठीक है। और दो तरीके हैं, जो फैटी एसिड्स लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं, ठीक है, वो जो हैं दोबारा से ट्राईसाइल ग्लिसरॉल और बाकी कंपोनेंट्स बनाते हैं, कोलेस्ट्रॉल एस्टर और फॉस्फेटिडाइल कोलीन, जो कि शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स थे वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, उनको दोबारा से रीस्टेरिफाई होने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि ना, जो आपके लॉन्ग चेन और शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स जो हैं, इनकी डिफरेंट फेट्स जो होती हैं वो किस तरीके से होती हैं, वो एसाइल कोएंजाइम ए की कोएंजाइम सिंथेटेज एंजाइम जो है, ठीक है, इसकी स्पेसिफिटी से होती हैं। उसको पता होता है कि कौन से लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं, कौन से शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स हैं, ठीक है। एक और भी चीज़ जो याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि ट्राईसाइल ग्लिसरॉल्स जो हैं वो ग्लाइसरोफॉस्फेट से भी बन सकते हैं, ठीक है। और ये आपकी ग्लाइकोलिसिस पाथवे में हेल्प कर रहा होता है, ठीक है, वहाँ पे भी जाके ये कंपोनेंट आपके काम आ रहा होता है। अब आप आएँ ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ फैट्स पे। तो ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज ऑफ फैट्स में दो चीज़ें आपकी आती हैं जिनको हमने जहन में रखना होता है, एक लिपोप्रोटीन्स और एक आपकी काइलोमाइक्रॉन्स, ठीक है। तो लिपिड्स जो कि एंटेरोसाइट्स में रीसिंथेसाइज हो गई होती हैं, ठीक है, वो जो हैं वो लिपिड्स और फैट सॉल्युबल विटामिंस, ये सब के सब आपके सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जमा होते हैं और लार्ज फैट पार्टिकल्स बना देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि आप ये जो लार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये लिपोप्रोटीन B48, ठीक है, ये इनके इर्द गिर्द जाके कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। लिपोप्रोटीन इनको स्टेबलाइज करता है, ठीक है, एक्वस एनवायरनमेंट में, ठीक है। और फिर उसके बाद ये पार्टिकल्स जो हैं काइलोमाइक्रॉन के अंदर जो हैं, काइलोमाइक्रॉन्स आपके लिपिड वेसिकल्स हैं, उनके अंदर जमा हो जाते हैं, ठीक है। कैसे, काइलोमाइक्रॉन्स में होता क्या है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन कोट होता है, ठीक है, ये मिलके आपके काइलोमाइक्रॉन बना रहे होते हैं, ठीक है। और फिर काइलोमाइक्रॉन्स क्या करते हैं, काइलोमाइक्रॉन्स इनको सेल मेम्ब्रेन तक ट्रांसपोर्ट करते हैं और वहाँ से उनको लिम्फेटिक सर्कुलेशन में डालते हैं, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया है कि आपकी रीसिंथेसाइज्ड पार्टिकल्स जमा हो जाते हैं सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है, वहाँ पे जाके लिपोप्रोटीन B48 जो है उनको इकट्ठा करता है और उनको स्टेबलाइज करता है उस एक्वस एनवायरनमेंट में, सेल का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है दैट्स एन एक्वस एनवायरनमेंट। फिर वो जो है वो आपका काइलोमाइक्रॉन एक आपका कैरियर पार्टिकल है, ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, वो जो है उन लिपिड वेसिकल्स को, वो बेसिकली लिपिड वेसिकल्स हैं और वो जो है इन सबको जमा करते हैं अपने अंदर और इनको सेल मेम्ब्रेन से पास कराने में और लिम्फेटिक सर्कुलेशन में डालने में हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब लिपोप्रोटीन्स जो हैं, अब लिपोप्रोटीन्स क्या हैं, लिपोप्रोटीन्स जो हैं वो लिपिड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, और सीरम में आपके ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इससे जो है लिपोप्रोटीन का एक रोल आता है हमारे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के रिस्क को, मतलब
चेक करने में भी काम आता है। ठीक है, अगर लिपोप्रोटीन्स आपके ज़्यादा हैं सीरम में तो उसे हमें पता लग जाएगा कि हमारी फ़ैट जो है डाइट में बहुत ज़्यादा है या हमारी बॉडी में फ़ैट बहुत ज़्यादा है, तो हम उससे हमारे कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो सकते हैं, रिस्क फैक्टर्स बढ़ सकते हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के, तो हमें अपनी डाइट और लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहिए। ठीक है, तो लिपोप्रोटीन्स हैं जो बेसिकली आपको ये बता रहे होते हैं। अच्छा, अब लिपोप्रोटीन्स जो होते हैं उनमें जो प्रोटीन पोर्शन होता है उसको हम एपोलिपोप्रोटीन कहते हैं। ये जो एपोलिपोप्रोटीन है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फंक्शन कर रहा होता है, और इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन ये होता है कि ये आपकी जो उनका लिपोप्रोटीन्स है उनका स्ट्रक्चर बनाने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, अच्छा, नॉर्मली हर लिपोप्रोटीन के अंदर एक एपोप्रोटीन होता है। ठीक है, कभी बार ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन ज़्यादातर एक एपोप्रोटीन होता है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो एपोप्रोटीन्स हैं इनको नॉर्मली जो है ब्लड में चेक किया जाता है और सीवीडी रिस्क चेक किया जाता है। नॉर्मली हम एपोलिपोप्रोटीन को चेक कर रहे होते हैं ब्लड में। ठीक है, तो अब ज़रा देखते हैं आगे, आगे इन्हीं को ही देखते हैं। ठीक है, जो काइलोमाइक्रॉन्स होते हैं वो एक्सोजिनस डाइट्री लिपिड्स को जो हैं उनको ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि काइलोमाइक्रॉन्स का काम है जितनी भी हमारी डाइट के अंदर लिपिड्स हैं वो उनको ट्रांसपोर्ट करें, जबकि लिपोप्रोटीन्स जो होते हैं वो एंडोजिनस लिपिड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं। एंडोजिनस का मतलब है बाय बॉडी की अपनी लिपिड्स। ठीक है, अब ये लिपिड्स जो हैं आपकी बॉडी की अपनी लिपिड्स होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि डाइट से आई हुई हों। ठीक है, ये आपकी बॉडी में जो लिपिड कंपोनेंट्स होते हैं, जो आपकी स्टोर्ड लिपिड है, ठीक है, और बाकी जो लिपिड्स हैं ये उनको और जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो बन रहा है हमारी अपनी बॉडी का बन रहा है, ये उन सबको ट्रांसपोर्ट करा रहे होते हैं। ठीक है, तो ये क्योंकि आप ये सोच रहे हो कि कैलोमाइक्रॉन्स और लिपोप्रोटीन्स दोनों का एक ही फंक्शन है, तो व्हाट्स द डिफरेंस, डिफरेंस इज दैट। ठीक है, ये आपने सही में रखना है अपने। अच्छा, अब लिपोप्रोटीन्स भी जो हैं वो काफ़ी टाइप्स के हैं, और वो टाइप जो है डिपेंड कर रही होती है उनकी लिपिड कंपोजिशन पर और उनकी डेंसिटी पे, और लिपोप्रोटीन्स का नाम भी उनकी डेंसिटी के हिसाब से रखा हुआ है। अब इन लिपोप्रोटीन्स में जो सबसे ज़्यादा हायर कंसनट्रेशन जिनमें होती है उनको हम वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स कहते हैं। ठीक है, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स जो होती हैं वो आपकी ट्राइसाइल ग्लिसरॉल्स को ट्रांसपोर्ट कर रही होती हैं। ठीक है, और इनके अंदर कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं और कोलेस्ट्रॉल एस्टर की कंपोनेंट जो है वो ज़्यादा होता है। अगर आप देखें, इसको देखें, आपकी लिपोप्रोटीन को देखें, तो वो इस तरीके से है। ये है आपकी पेरिफेरल एपोप्रोटीन, ये आपके फॉस्फोलिपिड्स हैं। ठीक है, इस तरीके से ये आपके कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स, ट्राइसाइल ग्लिसरॉल्स और नॉन पॉलीलिपिड्स वगैरह, ये सारी ये जो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं लिपिड्स वो हैं। ये फ्री कोलेस्ट्रॉल है, ये पेरिफेरल एपोलिपोप्रोटीन है, ये इंटीग्रल एपोलिपोप्रोटीन है। ठीक है, और ये इस तरीके से आपका प्रॉपर जो है एक लिपोप्रोटीन बनता है, एक कंपोनेंट है जो कि आपकी इनको ट्रांसपोर्ट करा रहा होता है कोलेस्ट्रॉल और ट्राइसाइक्लिसरॉल को। अच्छा, यहाँ पे जो है आपके जो जब ट्राइसाइलग्लिसरॉल्स लिपोप्रोटीन्स में से रिमूव होते हैं, ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए जो है लिपोप्रोटीन्स एक इंटरमीडिएटरी स्टेज से गुजरती हैं, एक ब्रीफ स्टेज के लिए। वो लिपोप्रोटीन्स जिनके अंदर से ट्राइसाइलग्लिसरॉल रिमूव हो चुका हुआ है उसको हम इंटरमीडिएटरी लिपोप्रोटीन कहते हैं, आईडीएल कहते हैं। ठीक है, जितनी आपकी ट्राइसाइलग्लिसरॉल इनमें से रिमूव होती जाती है उतने वो लिपोप्रोटीन्स जो हैं आइडियल्स बनती हैं, और फिर आइडियल से वो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बन जाती हैं। वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स में ट्राइसाइलग्लिसरॉल था। ठीक है, जब उनमें से वो रिमूव होता है तो थोड़ी देर के लिए वो इंटरमीडिएट लिपोप्रोटीन बनती हैं और वहाँ से वो कन्वर्ट हो जाती हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन में। ठीक है, अच्छा, जितनी भी आपकी लिपोप्रोटीन्स हैं उनका एक ही फंक्शन है कि लिपिड्स को ट्रांसपोर्ट करना है। ठीक है, अच्छा, जो अब जो आपकी लिपोप्रोटीन्स होती हैं जब वो कैरी कर रही होती हैं, तो जो ज़्यादा हाइड्रोफोबिक लिपिड्स होती हैं जैसे ट्राइसाइलग्लिसरॉल्स और कोलेस्ट्रॉल, वो पार्टिकल के कोर के अंदर होती हैं। ठीक है, और जो दूसरी लिपोप्रोटीन्स होती हैं जैसे फॉस्फोलिपिड्स वगैरह हैं, ठीक है, वो आपकी सरफेस के पास होती हैं। ठीक है, इस तरीके से
जो आपका लिपोप्रोटीन है उसकी जो स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, और इस तरीके से वो इजीली एक्वस एनवायरनमेंट में मूव कर सकता है। ठीक है, अच्छा। तो इसमें जो है जो आपकी लिपोप्रोटीन्स होती हैं उनके अंदर लिपिड्स और प्रोटीन्स की रेशियो भी डिफरेंट होती है। ठीक है, मतलब ट्राइसाइग्लिसरॉल्स, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स, फॉस्फोलिपिड्स वगैरह, ये सब जो हैं डिफरेंट प्रोपोर्शंस में होते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो कंपोजिशनल डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है, इनसे जो आपका पार्टिकल है अब उसकी डेंसिटी डिफरेंट हो जाती है, और उस डेंसिटी की बेस पर हमने डिफरेंट नाम दे दिए लिपोप्रोटीन्स को। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिपोप्रोटीन्स एग्जिस्ट करती हैं, फ्रॉम लोएस्ट जिसमें सबसे ज़्यादा लिपिड होती है टू हाईएस्ट डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है, तो लोअर डेंसिटी लिपोप्रोटीन में सबसे ज़्यादा फैट होती है, ठीक है, फैट की डेंसिटी कम होती है, और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन में सबसे कम फैट होती है। ठीक है, तो अगर उस ऑर्डर के हिसाब से देखें तो ये ऑर्डर है, सबसे पहले खाइलोमाइक्रॉन्स, देन वायरल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स एंड हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स दे आर गुड फॉर यू, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स दे आर बैड फॉर यू, और इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन या इंटरमीडिएटरी डेंसिटी लिपोप्रोटीन पार्टिकल IDL वो इंटरमीडिएटरी स्टेज है फ्रॉम VLDL टू LDL। ठीक है, थोड़ी देर के लिए होता है, ब्लड स्ट्रीम में थोड़ी देर के लिए एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसके एज सच कोई न्यूट्रिशनल या फिजियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस नहीं है। ये इस तरीके से है, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन में सबसे ज़्यादा फैट होती है, फिर IDL होती है, फिर LDL होती है, और फिर HDL होती है। ठीक है, और ये आपका एक काइलोमाइक्रॉन पार्टिकल है जो कि सबसे बड़ा है। ठीक है, फिर VLDL, फिर IDL, फिर LDL और फिर HDL आता है। दिस इज इट फॉर टुडे, होप यू अंडरस्टूड इट ऑल। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस आई एम देयर फॉर यू। थैंक यू फॉर योर कंसंट्रेशन। अल्लाह हाफिज़।